नेक्स्ट स्टेप आइए, सोइंग ऑफ सीड। पहला स्टेप क्या था? प्लॉगिंग थी। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। वो प्रोसेस जिसमें हम सीड को क्या करते हैं सॉइल में पुट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। जैसे आप फटाफट राइट साइड कॉर्नर में देखो, एक पर्सन है, वो सॉइल में सीड को क्या कर रहा है? पुट कर रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सोइंग ऑफ सीड। एग्जाम्पल मैंसनड है जैसे बीज, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, ओट्स, मस्टर्ड, इन सब की सोइंग ऑफ सीड ही की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड ड्यूरिंग सोइंग। सोइंग के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें रखने चाहिए दिमाग में? पहली चीज, सीड शुड बी गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड डिजीज फ्री। जो हम सीड यूज कर रहे हैं वो क्या हो? गुड क्वालिटी का हो, हेल्दी हो और डिजीज फ्री हो, ठीक है। नेक्स्ट, दे शुड बी सो एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल। इसे एक करेक्ट डेप्थ पे पुट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा डीप हो जाएगा तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, और एबव होगा तो बर्ड्स इसे क्या करेंगे? ईट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इट सो डीप इन द सॉइल रूट विल नॉट बी एबल टू रेस्पायर। ये कह रहा है ना कि अगर ये बहुत डीप हो जाएगा तो रेस्पायर नहीं कर पाएगा। इफ सो ऑन द सर्फेस ऑफ सर्फेस बर्ड में डैमेज द सीड। अगर हम सर्फेस पे ही सो कर दें तो बर्ड जो होंगे उसे क्या करेंगे? सीड को डैमेज कर देंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? करेक्ट डेप्थ पे। और जो सीड डेप्थ होती है, करेक्ट डेप्थ होती है सोइंग की, वो सीड टू सीड या सॉरी क्रॉप टू क्रॉप क्या होता है? वेरी कर रहा होता है, फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है सीड शुड बी सो एट द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। सीड को एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना चाहिए जिससे क्या हो? ओवर क्राउडिंग ना हो। मतलब मान लो आप अगर एक ही जगह सब सीड लगा दोगे, दो तीन सीड लगा दोगे तो वहीं सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे, तो वहाँ पे एक ही प्लेस पे कई प्लांट्स हो जाएंगे, कई क्रॉप्स हो जाएंगे, तो किसी भी क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? ओवर क्राउडिंग कहते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं जिससे हर प्लांट क्या हो? इजिली और वेल ग्रो करे। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है दिस अलाउ द प्लांट टू गेट इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट। जब हम प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं तो प्लांट इनफ अमाउंट में वाटर को, न्यूट्रिएंट को, सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे ग्रोथ क्या होता है? अच्छी होती है। नेक्स्ट कह रहा है स्पेशल केस। स्पेशल केस कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ केसेस में ये चेंज हो रहा होता है। स्पेशल केस कौन सा है? जैसे इन केस ऑफ राइस एंड वेजिटेबल लाइक टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, सीड आर नॉट सो डायरेक्टली इन द सॉइल वाइल हियर नर्सरी मेथड इज यूज्ड। कह रहा है कि कुछ केसेस हैं जैसे राइस के केसेस हो गए और कुछ वेजिटेबल्स के केसेस हो गए जिसमें डायरेक्ट सीड को सो नहीं किया था, डायरेक्ट सीड को डाला नहीं जाता है, यहाँ पे नर्सरी मेथड यूज़ की जाती है। नर्सरी मेथड जानते हो? राइस अगर किसी ने लगाया होगा, देखा होगा लगाते हुए, तो देखे होगे पहले राइस को लगाने से पहले एक छोटे से एरिया में राइस के सीड को डालकर ग्रो करा लिया जाता है, फिर वहाँ से उसको निकाल कर किसी दूसरे लार्ज फील्ड में ग्रो कराया जाता है, वही नर्सरी होती है। तो नर्सरी देखिए मेंशनड भी है। नर्सरी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच सीड आर फर्स्ट सो इन द स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी। कह रहा वो प्रोसेस जिसमें सीड को पहले एक छोटे से एरिया में सो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो राइट साइड में कॉर्नर में बॉटम साइड में आपको दिख रहा होगा नर्सरी, यहाँ पे एक छोटे से एरिया में सीड्स को क्या कराया गया है? ग्रो कराया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है? इन नर्सरी सीड आर मेड टू जर्मिनेट इन टू द स्मॉल प्लांट। मतलब कि नर्सरी में हम करते क्या है? सीड को लगाकर उसको जर्मिनेट कराते हैं छोटे छोटे प्लांट्स में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउ नेक्स्ट आइए ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? अभी मैंने बताया ना कि पहले करते क्या है? राइस के केस में एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करा लेते हैं सीड को लगा के छोटे छोटे प्लांट्स में, फिर उसको वहाँ से निकाल के किसी एक लार्ज फील्ड में ग्रो कराते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। देखिए द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग अ सीडलिंग फ्रॉम अ नर्सरी टू अ फील्ड इज कॉल्ड एज अ
ट्रांसप्लांटिंग, मतलब वो मेथड जिसमें हम सीडलिंग को, सीडलिंग मतलब क्या, जो प्लांट जर्मिनेट कर, जो सीड जर्मिनेट करके छोटे छोटे प्लांट में चेंज हो चुका है उसको ट्रांसफर कर देते हैं फील्ड में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। जैसे आप राइट साइड कॉर्नर देख सकते हो, इसमें एक पर्सन है जो कर क्या रहा है, जो छोटे से एरिया में ग्रो कराया गया था, जो छोटे से नर्सरी में ग्रो कराया गया था प्लांट को, वहां से निकाल कर और एक लार्ज फील्ड में क्या करा रहा है, ग्रो कराएगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के, इट हेल्प्स द फार्मर टू सेलेक्ट द ओनली हेल्दी सीडलिंग। इससे करते क्या है, फार्मर्स एक हेल्दी सीड को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, सीडलिंग कैन बी प्लांटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस। इससे क्या होता है, सीडलिंग को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं। इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इससे क्रॉप, जब हम हेल्दी सीडलिंग यूज करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन वैसे ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, मेथड ऑफ सोइंग सीड। सीड को सो करने के दो मेथड होते हैं, सोइंग के दो मेथड्स होते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा क्या होता है, सीड ड्रिल। डिस्कस करते हैं, फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड मोस्टली बाय द हैंड, मेथड ऑफ सोइंग सीड मोस्टली बाय हैंड एट रैंडम इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्टिंग। मतलब ब्रॉडकास्टिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी एक पर्सन रैंडमली अपने हैंड से ही क्या करता है, सीड को स्प्रेड कर देता है, सोइंग कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप राइट साइड में देखो, एक डायग्राम मेंशनड है, वहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, वीट के सीड को स्प्रेड कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वीट। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, सीड कैन ऑल्सो बी सो बाय द यूजिंग सिंपल इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। मतलब कि क्या, कि सीड को हम क्या कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, ठीक है, बो सकते हैं, किससे, एक सिंपल इम्प्लीमेंट के थ्रू ये किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल एक्चुअल में है क्या, ये एक टूल होता है जो फार्मर्स के थ्रू सीड सोइंग में क्या किया जा रहा होता है, यूज किया जा रहा होता है। नेक्स्ट थिंग, सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 feet लॉन्ग वर्टिकल पाइप्स। ये 5 से 6 feet लॉन्ग वर्टिकल पाइप से बना होता है, जिसके टॉप वाले पार्ट पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है, द ड्रिल इज अटैच्ड टू द प्लॉग। जो ड्रिल होता है उसके टॉप पर, ड्रिल जो होता है, ड्रिल का जो टॉप वाला पार्ट होगा वहां पे क्या अटैच होता है, प्लॉग अटैच होता है। इसको किसके थ्रू ड्राइव किया जा सकता है, बुल्स के थ्रू ड्राइव किया जा सकता है, ट्रैक्टर्स के थ्रू ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे डायग्राम मेंशन नहीं है, आगे डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे आप दिखाएंगा, ठीक है। सीड ड्रिल आर इवेंट डिस्ट्रीब्यूटेड विथ प्रॉपर सीड ड्रिल्स आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ प्रॉपर डिस्टेंस। सीड ड्रिल से हम करते क्या है, जो सोइंग है सीड की, उसके एक प्रॉपर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन उसका करते हैं और वो अपने करेक्ट डेप्थ तक पहुंच जाता है, ठीक है। अभी बताया था ना कि डेप्थ, करेक्ट डेप्थ बहुत जरूरी है। अगर ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा डीप हो जाएगा तो वो क्या होंगे, ग्रोथ ज़्यादा डीप हो जाएगा तो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा सरफेस पर हो जाएंगे तो बर्ड्स उसे ईट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो सीड ड्रिल्स के थ्रू एक करेक्ट डेप्थ पे इंटर हो जाता है, कौन, सीड। बात समझ में आई, देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम मेंशनड है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है डायग्राम, आपका फर्स्ट डायग्राम मेंशनड है, किससे कंस्टिट्यूट हुआ है ये डायग्राम, अभी हमने बताया था ना सीड ड्रिल के बारे में, तो उसी के डायग्राम मेंशनड है। फर्स्ट क्या है देखिए आपका, हमने कहा था कि एक क्या होगा, लॉन्ग वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा, वुडन का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। ये कितने फीट का होता है, 5 to 6 feet होता है, और इसको देखो एंड वाला पार्ट जो है वहाँ पे एक प्लॉग की तरह भी क्या है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीड ड्रिल है। दूसरी चीज़ हमने बताया, सीड ड्रिल्स को हम बुल या ट्रैक्टर के थ्रू भी ड्राइव कर सकते हैं। आप फिगर में देखो, एक साइड क्या किया जा रहा है, बुल के थ्रू ड्राइव किया जा रहा है, और एक साइड क्या है, ट्रैक्टर्स के थ्रू ड्राइव किया जा रहा है। बात समझ में आई, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे भी। क्या क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला क्या है, एग्रीकल्चर पार्टिकल्स, सॉरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, अभी पढ़ा है। प्लॉगिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, सोइंग सीड क्या है, इन टर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, नेम द फॉलोइंग डिफरेंट एग्रीकल्चर पार्टिकल यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन। कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में,
इम्प्लीमेंट यूज फॉर प्लॉगिंग, कौन सा इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है प्लॉगिंग में? इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग सीड, सीड को सोइंग करने के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज किया था? आई होप आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में mention करिएगा सभी लोग, उसका आंसर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। एज जिसको भी लेक्चर्स समझ में ना आए, जो भी डाउट्स हो उसमें mention करिएगा, ठीक है? और जिस जिसने भी ये लेक्चर देख लिया होगा वो सब वाई कमेंट